classification of what classification of organisms before just jumping in this chapter let us learn some basics which are going to help you understand this chapter even more better okay so what do you mean by nutrition have you heard of this word called nutrition सो न्यूट्रिशन इज समथिंग लाइक वी गेट वी नीड एनर्जी फॉर एवरी थिंग दैट वी डू हमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस लाइक जम्पिंग ईटिंग फूड्स इवन स्लीपिंग रिक्वायर सम एनर्जी सो वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्राम दिस कम्स फ्राम द फूड वी टेक कैन राइट फूड से हमें एनर्जी मिलती है एंड There are various method of taking food in जैसे हम खाना कैसे लेते हैं सॉलिड फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको लेते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं ऐसे पूरी अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना कैसे लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड मॉड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ठीक है सो इट कैन बी इधर ऑटोट्रॉफिक और हेड्रोट्रॉफिक ओ2 का मतलब होता है खुद से और ट्रॉफिक इज लाइक इनटेकिंग योर फूड सो जो भी खाना अपना खुद खाना बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोड्रॉप्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट दोस ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बी ऑटोट्रोफिक इसमें जो आते हैं वो परफॉर्म करते हैं या तो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इनवायरमेंट से सनलाइट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के हेल्प से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ऐसे ही वन प्रोसेस कीमोसिंथेसिस

पैरासाइट्स सॉरी पैरासाइट्स और एक और होता है होलोजोइक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है सेप्रोफाइट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना लेते हैं डेड डीकेड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम से जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको खाकर वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं डेड ऑर्गेनिजम से ना खाना लेते हैं और जो पैरासाइट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड ऑप्टेन करते हैं वो अपने होस्ट को मारते नहीं हैं दे डू नॉट किल देयर होस्ट डोंट किल देर होस्ट पर वो उनसे अपना खाना लेते हैं और होलोजोइक का मतलब होता है कि हम कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स इन द सेंस जैसे हम का, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं अगर हम ह्यूमंस का केस लें तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड uh, हाइड्रेट्स एंड विटामिन्स uh, की फॉर्म में हम खाना लेते हैं जिनको हम फर्दर यूनिट्स में तोड़ते हैं ठीक है और फिर फाइनली फूड इज डाइजेस्टेड सो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम खाना लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वी आर डन विद न्यूट्रिशन लेट लुक एट वन मोर थिंग विच इज़ कॉल्ड प्रो कैरिआट एंड न्यू कैरियाट सेल्स लाइक प्रो कैरिया कौन होते हैं और यू कैरियाट्स कौन होते हैं ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट न्यूक्लियस ठीक है नू कैरियॉट वॉट इज प्रो कैरियोट प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस यू इज ट्रू एंड कैरियो इज न्यूक्लियस ठीक है जिन ऑर्गेनिजम्स का जो न्यूक्लियस uh, होता है वो प्रिमिटिव होता है दोस ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक और जिन ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियस ट्रूली डेवलप्ड होता है दोस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स ठीक है

एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफनल लाइफ ठीक है स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट एंड फंक्शनल मीन व्हाट स्ट्रक्चर से मतलब है कि सेल हमारा स्ट्रक्चर बनाती है जैसे एक ईट एक इमारत को बनाती है ऐसे ही हमारा हमारी जो सेल होती है वो हमारी पूरी बॉडी को बनाती है ठीक है और फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं से वी आर ब्रीथिंग से वी आर रेस्पिरेटिंग से वी आर डाइजेस्टिंग सो द सेल्स इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व विद डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्ट कर रही हैं जैसे कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की सेल्स हैं ये मान लो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की सेल्स हैं ये सभी सेल्स डाइजेशन परफॉर्म कर रही होंगी दैट इज वाई वी आर सेड टू बी डाइजेस्टिंग फूड सो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर का मतलब ही हमारा स्ट्रक्चर बनाती है एंड फंक्शन मीन्स जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो टोटल होता है उन्हीं सेल्स के फंक्शन का ओके okay? और एक सेल बेसिकली मान लो ये सेल है ठीक है सेल कुछ ऐसी दिखाई देती है इसके अंदर एक फ्लूड प्रेजेंट होता है से दिस इज अ फ्लूड ओके इसके अंदर एक फ्लूड प्रेजेंट होगा दिस फ्लूड इज कॉल्ड साइटो प्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक और ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है ही कहते हैं उसको इधर कुछ ऐसे ठीक है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियस में बेसिकली डीएनए और आरएनए स्टोर्ड होते हैं या डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं जो या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में ठीक है और कुछ इसके छोटे छोटे कोवर्कर्स भी होते हैं सेल के जैसे इधर माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम्स होती हैं गोल्जी होता है ये कुछ इसके कोवर्कर्स है जो सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं सो so, ऑर्गेनल्स भी होते हैं इसके अंदर कुछ सेल के अंदर तो तीन चीजें अभी मैंने बताई जो सेल के अंदर मिल, दर, मिलती हैं सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म साइटो एक फ्लूइड होता है जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को ये चीजें हैं वो बिखर नहीं जाती उनको होल्ड करके कौन रखता है साइटोप्लाज्म उनको होल्ड करके रखता है अः एक और चीज मैंने बताई अः न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है देखो न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हो न्यूक्लियो प्लाज्म ठीक है और थर्ड चीज मैंने बताई क्या होती है ऑर्गेनल्स होते हैं ऑर्गेनल्स कुछ नहीं कोवर्कर्स होते हैं सेल के जो उसको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं इसके बाद देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट है उन सबके पास वेल डिफाइंड लाइक एडवास्ड फीचर्स नहीं होते हैं ना जैसे फोन्स जो आप देखते हैं एंड्रॉयड फोन्स होते हैं उनमें सब में एक जैसे फीचर्स नहीं होते फीचर्स वेरी करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी फीचर्स वेरी करते हैं तो जो प्रो केरटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रो कैरिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यू केरियोटिक ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं अब देखते हैं हम अलग कैसे होते हैं जैसे मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है तो प्रो कैरियोटिक सेल में एक तो न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा दूसरा इसमें बाउंड नहीं होते हैं। ऑर्गेन मैंने अभी बताया क्या, क्या होता है कोवर्कर्स होते हैं सेल के ठीक है और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इन, इनके अंदर जो भी ऑर्गेन प्रेजेंट होंगे ना उनके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है पर यू के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होती है वो भी मेम्ब्रेन से बाउंड ठीक है ये फर्क होता है यू केरियाट और सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर और दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है ठीक है अभी के लिए आप बस इतना याद रखो जो आपको क्लासिफिकेशन समझने में हेल्प करेगा आप जो भी आगे बेसिक्स आएंगे वो मैं आपको चैप्टर वाइज समझा दूँगी क्लासिफिकेशन के लिए इतना ही बहुत है ठीक है एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल लाइक रियली इनटू दिस चैप्टर कॉल्ड क्लासिफिकेशन अभी के लिए ये बस बेसिक था ओके okay? चलो आई बी एंडिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो विल डू क्लासिफिकेशन